नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में मैं कवि महेश ज्योतिष आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अमशा आयु की। लॉन्जिविटी टॉपिक के अंदर मैं पिंड आयु एक्सप्लेन किया था, वृद्धिकारी होरा लग्न एक्सप्लेन किया था, स्पैन ऑफ लाइफ भी हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे अमशा आयु की। तो अमशा आयु से पहले और भी दो तीन तरह की आयु यूज़ होती हैं, तो वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। निसर्ग या नैसर्गिक आयु भी निकालते हैं, और वो हम उस नेटिव की निकालते हैं जिसका मून स्ट्रोंगेस्ट होता है। मून स्ट्रोंगेस्ट होगा तो उसकी निसर्ग या नैसर्गिक आयु निकालते हैं। आयु निकालने का बिल्कुल वही तरीका होगा जो पिंड आयु का है। पूरा का पूरा प्रोसेस पिंड आयु का यूज़ करना है। द ओनली डिफरेंस इज पिंड आयु में जो वो एज कंट्रीब्यूट करते हैं वो हम देखते हैं कि सन 19 ईयर करता है, मून 25 ईयर्स, मार्स 15 ईयर्स, मरकरी 12 ईयर, इसके बाद जुपिटर 15 ईयर, वीनस 21 ईयर और सैटर्न 20 ईयर कंट्रीब्यूट करता है। जब आपको निसर्ग आयु निकालनी है तो उस नेटिव की निकालनी है जिसका मून सबसे स्ट्रॉन्ग है, और एज कंट्रीब्यूटेड बदल जाएगी, बाकी कोई भी प्रोसेस में चेंज नहीं होगा। सभी हरण वगैरह वैसे ही होंगे। यहाँ पर जो एज कंट्रीब्यूट करते हैं निसर्ग आयु में वो सन 20 इयर्स कंट्रीब्यूट करता है, मून 1 ईयर, मार्स 2 इयर्स, मकरी 9 इयर्स, जुपिटर 18 इयर्स, वीनस 20 इयर्स एंड सैटर्न 50 इयर्स एज कंट्रीब्यूट करता है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एज का डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। इसी तरीके से एक और आयु होती है जिसे जीव आयु बोलते हैं। जीव आयु में एक किसी भी नेटिव की जो फुल आयु है वो 120 इयर्स कंसीडर की जाती है, दैट इज कॉल्ड फुल स्पैन ऑफ लाइफ। यहाँ पर हर एक प्लेनेट इक्वल ही एज कंट्रीब्यूट करता है, और जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 120 डिवाइडेड बाई 7 होगा। ईच प्लेनेट विल कंट्रीब्यूट इक्वली, तो 17.29 के करीब आएगी कंट्रीब्यूशन बाई ईच प्लेनेट। अब आपको जीव आयु निकालनी है तो अलग से हमें कोई भी प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, पिंड आयु वाला ही मेथड यूज होगा। उसमें एज कंट्रीब्यूटेड बाई ईच प्लेनेट विल बी टेकन एज 17.29 ईयर्स। बाकी सेम मेथड हम यूज़ करेंगे, कैलकुलेशन पिंड आयु के तरीके से ही करेंगे। पिंड आयु में अलग अलग प्लेनेट की जो एज यूज़ की थी उसकी जगह हर एक का कंट्रीब्यूशन 17.43 कर देंगे। अब हम जो आज के मेरे इसका क्लास का टॉपिक है अमशा आयु, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अमशा आयु दोस्तों उस नेटिव की निकाली जाती है जिसका लग्न सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। लग्न जिसका स्ट्रोंगेस्ट है, सन जिसका स्ट्रोंगेस्ट था उसके लिए हमने पिंड आयु निकाली थी, मून जिसका स्ट्रोंगेस्ट है उसके लिए निसर्ग आयु निकालते हैं, और जिसका लग्न सबसे स्ट्रोंग हो उसके लिए अमशा आयु कैलकुलेट करते हैं। अमशा आयु निकालने का मेथड मैं एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा, उसमें सारी इसकी डिटेल्स मैं यहाँ पर बताऊंगा। एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर, ये वही नेटिव है जिसकी हमने पिंड आयु निकाली थी। अब यहाँ पर मैं एक टेबल फॉर्म करूंगा, तो टेबल में फर्स्ट जो आपका कॉलम होगा उसके अंदर ऑल 7 प्लेनेट्स एज वेल एज लग्न को भी प्लेस करना है। जो हमने पिंड आयु का टेबल बनाया था उसमें लग्न को प्लेस नहीं किया था, लग्न आयु अलग से वहां पर कैलकुलेट की थी एंड में। यहां पर आपको लग्न को भी प्लेस करना है, तो फर्स्ट जो कॉलम होगा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एज हम सबसे पहले करेंगे। तो ग्रॉस एज निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि सभी प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड प्लेस करना है। लॉन्गिट्यूड में उसका साइन भी इंक्लूडेड होगा, तो यहाँ पर लाइक सन का लॉन्गिट्यूड 8 साइन पास 7 डिग्री 48 मिनट्स है, मून का, इन सभी का मैंने लॉन्गिट्यूड प्लेस कर दिया है। अब लॉन्गिट्यूड को आपने मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है, सेकंड को आप छोड़ दीजिएगा, डिग्री साइन और मिनट्स को मिला के मिनट्स में चेंज कर देना है। तो लाइक सन के लॉन्गिट्यूड को मैंने मिनट्स में चेंज किया, तो एक हम कॉलम बनाएंगे लॉन्गिट्यूड इन मिनट्स। तो एक कॉलम बनाया प्लैनेट्स, दूसरा कॉलम बनाया उसमें सभी का लॉन्गिट्यूड लिखा एज इट इज, उसको मिनट्स में कन्वर्ट किया। मिनट्स में कन्वर्ट करने में किसी को दिक्कत हो तो एक साइन को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे हमें डिग्रीज मिल जाएंगी, और वैसे कोई डिग्रीज दे रखी है उसे ऐड कर लीजिए उसमें,
और डिग्रीज को 60 से मल्टीप्लाई करने पर मिनट आ जाती है, और रिमेनिंग मिनट यदि लॉन्गिट्यूड में कुछ आ रही है तो उसे ऐड कर देते हैं। लाइक इसमें 8 साइन है, तो 8 साइन का मतलब हो गया 8 इंटू 30 240 प्लस 7 डिग्री 247 डिग्रीज हो गया है। और यहाँ पे 48 मिनट्स दिया हुआ है, तो 247 डिग्रीज को 60 से मल्टीप्लाई करने पर वो मिनट आ जाएगा, और उसमें ये हम 48 और ऐड कर देंगे। इस तरीके से 14868 आपका मिनट्स आ गया। तो हम सभी प्लैनेट्स का इंक्लूडिंग लग्न उसके लॉन्गिट्यूड को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, और लॉन्गिट्यूड इन मिनट्स का एक कॉलम बन गया। एक नववांशा 1 ईयर एज कंट्रीब्यूट करता है ऐसा कहते हैं, और नववांशा की जो लेंथ होती है वो 200 मिनट्स होती है। तो जो भी लॉन्गिट्यूड आया है यहाँ पर प्लैनेट्स का, उसको आप 200 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप, 200 से डिवाइड किया, जो भी आया आपका क्वेश्चन, जो भी मिला हमें, इनका सभी का हमने निकाल लिया। अब इसमें से हमें क्या करना है कि जो 12 के मल्टीपल्स हैं नियरेस्ट, उसे एक्सपंज करना है। आइडिया बिहाइंड दैट वी इज कोई भी प्लेनेट 12 ईयर से ज़्यादा एज कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इस मेथड में। तो यदि आपका 12 से लेस है तो एज इट इज छोड़ देना है, 12 से ज़्यादा है तो 12 का नियरेस्ट मल्टीपल आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अब एक मैं एक केस ले लेता हूँ कि बाई द वे सपोज 48 आ गया, तो 48 खुद ही 12 का मल्टीपल है, तो क्या उसकी एज जीरो हो जाएगी? उसकी एज जीरो नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। यदि वो खुद ही 12 का मल्टीपल आ रहा है तो लास्ट 12 को रिटेन करना है। जैसे 48 है तो आप उसकी रखोगे 12 ईयर, 60 है तभी भी 12 रखोगे, 12 है तभी भी 12 रखोगे, एंड 72 है तभी भी हम उसकी एज जो रखेंगे, ग्रॉस एज 12 ईयर रखेंगे। तो यदि वो 12 का मल्टीपल ही आ रहा है तो 12 ईयर रिटेन करना है। बाकी सभी केसेस में 12 का नियरेस्ट मल्टीपल आपको सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक देखिए यहाँ पे सन जो एज कंट्रीब्यूट कर रहा है वो 78.4 आ रहा है, इसमें से 12 का नियरेस्ट मल्टीपल 72 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 82.34 आ जाएगा। आपको एक्सपेंज करना है मल्टीपल्स ऑफ 12 नियरेस्ट, और खुद ही 12 का मल्टीपल आ रहा है तो आपको 12 ईयर रखना है। ये मान लीजिए आप 12, 24, 36, 48 एटसेट्रा कुछ भी आ रहा है, तो एज कंट्रीब्यूटेड विल बी 12 ईयर। इस तरीके से हम ग्रॉस एज निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस एज को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक कॉलम में प्लैनेट्स लिखेंगे, दूसरे में उनके लॉन्गिट्यूड लिखेंगे, तीसरे में उसके लॉन्गिट्यूड को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो भी मिनट्स में आ रहा है उसको 200 से डिवाइड करके हम क्वेश्चन निकाल लेंगे, और उसमें 12 का नियरेस्ट मल्टीपल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी प्लेनेट 12 से ज़्यादा एज कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। अब ग्रॉस एज हमने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम उसमें हरण और भरण अप्लाई करते हैं। पिंड आयु में भरण अप्लाई नहीं होता, मगर अमशा आयु में भरण अप्लाई होगा। भरण अप्लाई करने के 2 रूल्स हैं, उनको आप नोट कर सकते हो। फर्स्ट वन रूल है आपका भरण अप्लाई करने का, भरण के मैं रूल्स यहाँ पे बताऊंगा। तब तक आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं, जैसे टाइम टू टाइम आपके पास अपडेटेड वीडियोस आते रहे और आपको सीखने के लिए मिलता रहे। तो भरण का जो रूल होता है, सबसे पहले अब इसमें भरण करते हैं। पिंड आयु में कोई भी भरण नहीं होता, केवल हरण होता है, मगर अमशा आयु में जो भी एज आई आपकी ग्रॉस एज, उसका भरण होता है। उसके 2 रूल्स हैं, आप ये नोट कर लीजिए। फर्स्ट रूल है, यदि कोई भी प्लैनेट एग्जॉल्टेड या रेट्रोग्रेड हो, आप देख लीजिए चार्ट में वो एग्जॉल्टेड है या रेट्रोग्रेड है, तो उसकी एज को 3 टाइम्स कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी एज आ रही है, इतनी एज हो जाएगी उसकी कंट्रीब्यूटेड एज जो होगी। सपोज वो 10 ईयर कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो रेट्रोग्रेड है, तो उसका कंट्रीब्यूशन हो गया 30 ईयर। एग्जॉल्टेड है तभी भी, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल, यदि वो प्लेनेट ओन साइन में है, ओन नवांसा में है, वर्गोत्तम नवांसा में है, या ऑन ड्रेस कोन में है, D3 में भी खुद के साइन में है, D9 में भी अपने साइन में है, या वर्गोत्तम है, तो वर्गोत्तम वो होता है जिस साइन में D1 चार्ट के अंदर प्लेनेट अवेलेबल है, उसी साइन में D9 में चला जाए तो उसको वर्गोत्तम बोलेंगे। तो अपने साइन में हो जाए वो D1 में, अपने ही साइन में वो D9 में हो जाए, जिस साइन में वो D1 में है उसी साइन में वो D9 में हो जाए, उसे वर्गोत्तम बोलेंगे। और अपने ही दृष्टिकोण D3 में भी खुद के साइन में
इन चारों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो तो उस जो वो एज कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दो केसेस बताए मैंने, यदि एग्जॉल्टेड और रेट्रोग्रेड हो तो 3 से, और यदि ओन साइन, ओन नवांशा, ओन ड्रेसकोन या वर्गोत्तम नवांशा में हो तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि वही प्लेनेट एग्जॉल्टेड भी हो और ओन नवांशा में हो तो क्या करेंगे? तो हमें डबल भरण नहीं करना है, जो भी ग्रेटर है वही करना है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, उसे फॉलो करेंगे आप देख लीजिए वो एग्जोल्टेड है क्या या रेट्रोग्रेड है, दोनों भी हो सकता है, रेट्रोग्रेड भी है और एग्जोल्टेड भी है। तो डबल डबल नहीं करना है, आप उसकी एज को सीधा ही 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एग्जोल्टेड सीधा दिख जाता है, रेट्रोग्रेड सीधा ही दिख जाता है। तो रेट्रोग्रेड लगा हुआ है तो जो भी एज कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा स्टेप भरण का आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, जिसमें हम डबल करते हैं। यदि वो एग्जोल्टेड है तभी भी उसकी जो भी एज कंट्रीब्यूट कर रहा है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एग्जोल्टेड और रेट्रोग्रेड दोनों ही है तभी भी 3 से ही मल्टीप्लाई होगी, यानी कि हम उसकी एज को 2 बार 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है भरण करते टाइम वो एग्जोल्टेड रेट्रोग्रेड है या दोनों है। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप उसकी एज को 3 टाइम्स कर दीजिए और दूसरी कंडीशन को देखने की जरूरत नहीं है। अब बाय द वे वो आपका पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तब आप देखेंगे क्या वो ओन साइन में है, उसका D9 चार्ट बनाना पड़ेगा हमें और देखना पड़ेगा क्या वो D9 में अपने साइन में है या वर्गोत्तम हो रहा है। D3 चार्ट भी बनाना पड़ेगा और वो D3 चार्ट में वो क्या सेम अपने ही दृष्टिकोण में आ रहा है क्या। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए उसको D1 में कि वो अपने ही साइन में आ रहा है क्या। यदि वो D1 में अपने साइन में आ गया तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डबल कर दीजिए, बाकी चीज़ें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी भरण है 2 बार अप्लाई नहीं होगा, एक ही बार अप्लाई होगा जो भी भरण है, और वो जो मैक्सिमम भरण है वो अप्लाई हो जाता है। अब ये ओन साइन, ओन नवांशा, वर्गोत्तम नवांशा और आपका ओन दृष्टिकोण, ये चार भरण है, इनमें कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक हो रही है या एक से ज़्यादा हो रही है, केवल आप एज को डबल करेंगे। चारों की चारों फुलफिल हो जाएं तभी भी एज को डबल करेंगे, कोई दो फुलफिल हो जाए और केवल एक एज भी फुलफिल हो जाती है। जैसे मैंने देखा कि वो सपोज प्लेनेट अपने ही साइन में आ रहा है तो मुझे बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी एज को डबल कर दूंगा बस। अपने साइन में नहीं आ रहा है तो मुझे D9 बना के देखना पड़ेगा, मैं देखूंगा वो ओन नवांशा में आ रहा है या वर्गोत्तम तो नहीं हो रहा है। यदि इन दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मैं उसकी एज को डबल कर दूंगा, मुझे D3 बनाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा भी नहीं हो रहा है तो मैं D3 बनाऊंगा, D3 में ओन साइन में आ रहा है तो एज को डबल कर दूंगा, और कोई भी कंडीशन नहीं हो रही है तो कोई भी भरण नहीं होगा, इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे भरण का एक चार्ट दिया हुआ है, अप्लाई भरण, तो इसमें हम देखते हैं कि आपको जो प्रीवियस मैंने उसमें जो चार्ट बताया था वही चार्ट है। यहाँ पे मून को हम देखते हैं तो मून आपका ओन नवांशा में आ रहा है, ओन साइन D9 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए D3 और वर्गोत्तम के केस में एज को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एग्जोल्टेड एंड रेट्रोग्रेड के केस में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। एट ए टाइम एक ही भरण अप्लाई होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, या तो एज ट्रिपल होगी या डबल होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ट्रिपल होगी, तो ये इस कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है तभी इसको हम चेक करेंगे, इसमें भी 1/1 करेंगे। यदि ऑन साइन में हो गया तो नेक्स्ट 3 कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, यदि ऑन साइन में नहीं है तभी हम D9 में देखेंगे उसे, फिर D3 में देखेंगे, वर्गोत्तम देखेंगे, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो या एक से ज़्यादा हो आपको एज को डबल ही करना है। तो लाइक दिस, इसमें मून में एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मैं इस चार्ट को देख लेता हूँ जो मैंने आपको कराया था, मून में क्या था देखिए, ये चार्ट हो गया। अब मून को देखोगे यहाँ पर तो ये ओन साइन में तो नहीं है, मगर आप इसके नवांश वगैरह में देखेंगे तो वर्गोत्तम या ओन नवांश के अंदर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं रखा हुआ है, आप चेक करके देख सकते हो। इसलिए मून की एज को मैंने डबल कर दिया, इन चारों में से एक कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो मून कंट्रीब्यूट कर रहा था 3.78 ग्रॉस एज थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7.56 होगी। इसी तरीके से सैटर्न को भी हम देखेंगे तो वो भी इनमें से एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनमें से एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी एज को भी डबल कर दिया है मैंने। तो ये अब आप मून सैटर्न जो एज कंट्रीब्यूट कर रहा है तो अब ये नई एज होगी आपकी आफ्टर भरण। तो यहाँ पे ये गलती मत करना, इस एज को आपने डबल कर दिया तो अब ऐड वगैरह कुछ नहीं करना है, डबल ही रहेगी,
भरण में एज मल्टीप्लाई हो जाती है बस, इसके बाद उसको ओरिजिनल एज में ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ भी नहीं करना है। जैसे कोई डबल कर रहा है तो जैसे मून के केस में यहाँ पर डबल हुई तो आप डबल कर दीजिए, उतनी एज ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ये नहीं कि आप उसकी ग्रॉस एज में इस एज को ऐड करना शुरू कर दें। तो अब इनका सभी का मैंने निकाल लिया, आफ्टर भरण ये एज होगी 2.34, इसकी 7.56 एज इट इज आ गई, 11.64, 4.14, जो भी एजेस हैं ये एज इट इज आ गई। सैटर्न की डबल हुई थी तो यहाँ पे मैंने डबल एज रख दी है। इस तरीके से लग्न की भी हम निकाल देंगे, सभी की आपने एज कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे मून ओन नवांशा में था इसलिए उसकी डबल हुई है, और सैटर्न आपका ओन साइन में बर्थ में इसलिए उसकी डबल हुई है, इसलिए बाकी चीजें हमें देखने की जरूरत नहीं है। ऑल दो सैटर्न अपने ड्रेस कॉन भी है, मगर भरण केवल एक बार ही अप्लाई होगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। सैटर्न ओन साइन में भी है, ओन ड्रेस कॉन में भी है, मगर जब ये ओन साइन में है तो ओन ड्रेस कॉन को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भरण एक ही बार एप्लीकेबल होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने एज निकाल ली आफ्टर भरण, अब इसमें हम हरण अप्लाई करेंगे। हरण टॉपिक को मैं यहाँ पे अब डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिंडायु में मैंने डिटेल में बताया है, मगर पिंडायु और इसमें एक डिफरेंस जो भी है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पिंडायु में चार तरीके के भरण होते थे, वो सॉरी हरण होते थे। पहला था आपका चक्रपथ, दूसरा था आपका अस्तंगत, तीसरा था शत्रु क्षेत्र, और चौथा था क्रूरोध है हरण। तो फर्स्ट चीज ये आप याद कर लीजिए कि अमशायु के केस में क्रूरोदय हरण एप्लीकेबल नहीं होता। अमशायु में केवल फर्स्ट थ्री चक्रपथ, अस्तंगत एंड शत्रु क्षेत्र हरण ही अप्लाई होते हैं। सो ओनली थ्री टाइप ऑफ हरण अप्लाई होते हैं, फर्स्टली। सेकंड, जब पिंडायु निकालते हैं तो सक्सेसिव हरण अप्लाई होते हैं। सक्सेसिव का मतलब किसी की एज 10 है और वो सब वो चक्रपथ हरण में हाफ हरण हो रहा है तो 5 बचेगी। अब वो अस्त भी है तो 5 का हाफ उसमें से लेस करना पड़ेगा तो 2.5 बचेगी। अब वो सपोज शत्रु क्षेत्र में भी है तो उसका 1/3, 2.5 का 1/3 उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एज बचेगी। मतलब सक्सेसिव सारे हरण लगेंगे यदि एप्लीकेबल हैं तो, और सक्सेसिवली लगेंगे, मतलब पहले हम एक हरण लगाएंगे, फिर हम दूसरा लगाएंगे, फिर तीसरा लगाएंगे। मगर अमशायु में हमें चेक करना पड़ेगा इन तीनों में से मैक्सिमम रिडक्शन किस केस में हो रहा है, कि चक्रपथ हरण भी एप्लीकेबल है, शत्रु क्षेत्र हरण भी एप्लीकेबल है, और आपका अस्तंगत हरण भी एप्लीकेबल है। तो तीनों में से जो भी हरण मैक्सिमम होगा वो लगाएंगे, बस एक ही हरण लगेगा, एक से ज्यादा नहीं लगेंगे। जैसे मैं मान लेता हूं कि कोई भी प्लेनेट, सपोज बेनिफिक प्लेनेट 7th हाउस में चला गया, तो 7th हाउस में 1/12 चक्रपथ हरण लगेगा। सपोज वो एनिमी साइन में भी है तो 1/3 आपका एनिमी साइन का हरण लगेगा, एंड इट इज कंबस्टेड ऑल्सो तो आपका हाफ कंबस्टन का हरण लगेगा। अब तीनों हरण देखे हमने, चक्रपथ हरण 1/12 हुआ, अस्तंगत हरण आपका हाफ हुआ, और शत्रु क्षेत्र हरण 1/3 हुआ। तो इनमें मैक्सिमम अस्तंगत हरण है, केवल एक ही हरण लगाएंगे, बाकी हरण लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम हरण लगाएंगे। तो यहाँ पे गिवन चार्ट में ये हरण लगा रखा है, मून पे अस्तंगत हरण लगेगा, बिकॉज मैंने जो प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मून आपका 10th हाउस के अंदर है, तो मून 10th हाउस के अंदर है, बेनिफिक जब 10th हाउस के अंदर होगा तो उसके अंदर आपका देखिएगा 1/6 इसकी लाइफ में से रिडक्शन कर देंगे। फिर हम देखेंगे मरकरी अस्त हो रहा है और कोई हरण मरकरी पे नहीं लग रहा, तो मरकरी जो एज कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका हाफ मरकरी की एज यहाँ पे कम कर दी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मार्स आपका मरकरी साइन में 6th साइन में है, तो प्रीवियस वीडियो का चार्ट है, मैं चार्ट फिर एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो ये चार्ट आप बना लीजिए, इस केस में मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये। तो यहाँ पे यदि आप हरण अप्लाई करना चाहें अमशायु में, तो सबसे पहले हरण देखिए मैंने यहाँ पे लगाया मून और मार्स है, तो इसमें मार्स पे लगेगा नहीं चक्रपथ हरण। उसका रीजन क्या है, मून स्ट्रोंग है, इसका लॉन्गिट्यूड ज्यादा है, इस पे चक्रपथ हरण लगा दिया और कोई हरण इस पे लग नहीं रहा है। दूसरा अब हम देखते हैं कि मरकरी और वीनस में, तो वीनस के ऊपर आपको पता है अस्तंगत हरण नहीं लगता, तो मरकरी अस्त हो रहा है
तो मरकरी पे अस्तंग का हरण लगेगा, इसके अलावा और कोई हरण नहीं लगेगा। इसके बाद मार्स देखिए एनिमी साइन में जाके बैठ गया है, दैट इज इन सिक्स साइन, मरकरी के साइन में, मरकरी इसका एनिमी होता है, तो उस पर आपका एनिमिकल हरण लगेगा। तो ये हरण मैंने यहाँ पे लगा दिया है। हरण लगाने के बाद हमारे पास इनको हरण सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। भरण में हम सीधा एज को मल्टीप्लाई करते हैं, हरण सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक यहाँ 7.56 में से 1.26 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 6.30 बच गया। इस तरीके से हम सभी की एज निकालेंगे और एज आफ्टर हरण आएगी, उन सभी को ऐड कर लेंगे। लगने पर ना ही हरण लगता है ना ही भरण लगता है, ध्यान रखना, क्योंकि लग्न कोई प्लेनेट नहीं होता। सो लग्न डू नॉट सफर एनी भरण और हरण। ये 50.8 ईयर्स आई, इसको हम सोलर ईयर में कन्वर्ट करेंगे। सोलर ईयर में कन्वर्ट करने का तरीका होता है 360 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि जो हमने एज निकाली है उसमें एक ईयर को 360 डेज का माना है। 360 से मल्टीप्लाई करके 365.25 से डिवाइड कर देंगे। रीज़न बियॉन्ड दैट इज 360 से मल्टीप्लाई करके उसे हम डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, और 365.25 से डिवाइड करने पर हमें सोलर ईयर्स में उस नेटिव की एज आ जाएगी। तो इस तरीके से अमशा आयु से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको होपफुली समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल दोज क्वेरीज आपको। दोस्तों यदि मेरा प्रयास सक्सेसफुल लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।